हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको SIP के बारे में 16 शॉर्ट्स में बताया था कि SIP होती क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा SIP शुरू कैसे करें और SIP ले कौन सकता है। ठीक है, SIP शुरू कैसे करें पे मैं अभी थोड़ा सा आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन के साथ कि कैसे शुरू करते हैं उसको, और ले कौन सकता है ये बता देता हूँ आपको। तो चलिए मैं ये बताता हूँ कि SIP ले कौन सकता है। SIP कोई भी ले सकता है, और मैं तो उनको जो मतलब थोड़ा सा जिनकी सेविंग कम है या फिर जो थोड़ा सा आप समझ लो जिनकी परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी वो अगर 1000 रुपये तक सेविंग कर सकते हैं वो करें, या फिर मैं उनको बोलूंगा, उन पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चों के नाम पे SIP स्टार्ट करें। सपोज दैट अगर उनके बच्चे भी 10 साल के भी हैं वो उनके नाम से ही सेविंग करना स्टार्ट कर दें, 5 साल के तब भी उनके नाम से सेविंग करना स्टार्ट कर दें। जब उनका बच्चा 20 साल या 25 साल का होगा तो आप समझ रहे हो, अगर मैं एक नॉर्मली अभी आप कैलकुलेशन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दूंगा कि नॉर्मली अगर आप 2000 रुपये भी हर मंथ में, और एक बकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2000 रुपये का 500 ऐसे चार SIP ले लो, चार एक्सिस का ले लो, SBI का ले लो, LIC का ले लो, कोटेक का ले लो, चार ले लो एक कोर्स। अब ये तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे माइनस में जाएंगे कभी, और वैसे भी SIP हमेशा कभी माइनस में जाती लॉन्ग टर्म में, अभी ये तो रिकॉर्ड रहा है हमेशा 12% के आसपास इसके ऊपर रिटर्न देती है। तो आप ऐसे चार ले लो, और सपोज दैट अब ये समझो आपने क्या किया है कि 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने टारगेट क्या किया 25 साल का चुन लिया है। अब मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, 2000 रुपये पर मंथ का पूरे 25 साल के लिए, और सपोज दैट आपका बच्चा अभी 5 साल का है तो 25 साल 30 साल के बाद उसकी क्या, जब वो 30 ईयर का होगा तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा उस पैसे का, वो कैलकुलेशन आप देख सकते हो इस पे। कि आप ये समझो कि 2000 रुपये मंथ 24000 रुपये साल का, ठीक है 24000 रुपये साल का जा रहा है आपके केवल। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपका लगभग नियर अबाउट ये हो गया 24000 रुपये पर ईयर का इंटू 25, 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपए आपको केवल देने हैं, वो भी कैसे देने हैं, 2000 रुपये पर मंथ 6 लाख रुपए आप दो। आप ये समझो 6 लाख रुपए आप नहीं दे रहे हो, 2000 रुपए पर मंथ। एक नॉर्मली आप एक सब लोग गुल्लक रखते हैं ना, गुल्लक रखते हैं सभी लोग, पॉकेट में नहीं रखते ना, आप 2000 भूल जाओ कि आप 2000 रुपए रख भी रहे हो। SIP में आप 2000 लगाते जाओ और भूलते जाओ कि 2000 रुपए आपका कहीं सेव भी हो रहा है। वो 2000 रुपए जो आप भूलते जा रहे हो सेव करके, आपको पता है वो 6 लाख रुपए 25 साल में जो आपने साइड बाई साइड जमा किए हैं आपको कितना रिटर्न दे सकती हैं? मिनिमम 60 लाख रुपए का तो देंगी देंगी, उसके ऊपर भी हो सकता है जैसा आपका SIP प्लान हो, जैसा आपने चुना, जिस SIP को आपने चुना उसको पर डिपेंड करता है। मतलब 6 लाख रुपए सेव किए हैं आपने टोटल कितने सालों में, 25 सालों में साइड बाई साइड सेव किए हैं, 25 साल बाद वो पैसा कितना बन गया था आपका, 60 लाख के ऊपर, 10 टाइम्स से ज्यादा। मतलब समझ रहे हो आप, 10 लाख का 1 करोड़ आराम से बन सकता है। धैर्य रखना होगा थोड़ा सा आपको, ऐसा है नहीं। और SIP के बारे में एक चीज और बताऊं आपको, इसमें आपका पैसा लॉक नहीं होता। सपोज इट आप, अगर आपको लगता है कि मैंने SIP ली, SIP में क्या होता है कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उससे कुछ शेयर ही खरीदे जाते हैं उस फील्ड के, उस अलग फील्ड के शेयर ही खरीदे जाते हैं। तो इसमें 1 साल की होल्डिंग होती है, 1 साल आप होल्ड कर सकते हो, मतलब 1 साल तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। अब 1 साल में आपका जा भी कितना रहा, 24000 रुपये जा रहा है अगर 2000 रुपये के हिसाब से देखो तो 1 साल आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद 1 साल के बाद कभी भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब रिडीम कर सकते हो, चाहे तो पैसे रिडीम कर सकते हो या तो शेयर के हिसाब से शेयर सेल करके रिडीम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसमें आप कभी भी ऐड भी कर सकते हो। सपोज दैट आपकी इनकम आज बहुत ही कम है, 10000 रुपये, आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, कल को आपकी 1 लाख रुपए, तो आप 10000 रुपए भी कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपने आज भी उसको कैलकुलेशन ले लेगा कि आपने 10000 रुपए कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए, उस हिसाब से आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। तो SIP कैसे शुरू करें, ये वीडियो आप स्टार्टिंग में देख लोगे कैसे शुरू करते हैं, और SIP कौन ले सकता है, SIP कोई भी ले सकता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है ना, वो जाके देखें ये वीडियो देखने के बाद, अभी मैं दिखाता हूँ SIP कैसे ले सकते हैं, जाके वो ट्राई करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा डेस्कटॉप की, आपको स्क्रीन पूरी शेयर कर दूंगा मैं कि कैसे प्रॉपरली आप उसको
SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।